competition on our YouTube channel. You can subscribe and press the bell icon. Good day, दोस्तों. मैं विवेक चौधरी. दोस्तों आज की वीडियो में हम रीजनिंग का एक चैप्टर लेके आए हैं अजम्पशन, यानी कि कथन और पूर्व धारणाएं. दोस्तों कथन और पूर्व धारणाएं सबसे पहले समझ लेते हैं होती क्या है. सबसे पहले आपको अगर कोई कथन दे रखा है, कथन क्या होता है, अगर कोई भी चीज आपको लिख के दे रखी है जिसे आप समझ सकें, बोल सकें, लिख सकें, है ना, उसके बारे में कुछ जानकारी दी जाए, कोई भी लाइन होगी वो एक कथन होगा. और उसके बारे में आपको कुछ पूर्व धारणा दे रखी होंगी, उनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है ये आपको देखनी है. तो इसमें दोस्तों सबसे पहले समझना होगा कि पूर्व धारणाएं का मतलब क्या होता है. पूर्व धारणाएं, पूर्व धारणाओं का मतलब होता है दोस्तों जब पूर्व में कोई बात कही गई है उसके बारे में हमें समझना. जैसे कथन में कोई चीज दे रखी है उससे पहले हमें चीजों को समझना क्या है. तो इसमें स्टार्ट करते हैं. इसमें कुछ चीजें टिप्स हैं उसको याद रख लीजिए, क्योंकि इसमें ये जो चैप्टर है कोई लिखने की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं होगी हमें, हमें सिर्फ समझना है. ये चैप्टर समझने का है, लिखना बहुत कम है. आप नोट कर लीजिएगा, कुछ दो तीन चीजें हैं उनको नोट कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो फ्रेंड्स नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले दोस्तों हमें समझना होगा अजम्पशन में दो कंडीशन आपको हमेशा दी हुई होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. दोस्तों ये चीज समझिएगा, जब भी आपको पॉजिटिव चीज दे रखी हो वो हमेशा 100% सही होगी. अगर आपको नेगेटिव दे रखी हो तो 100% दे रखी हो तो बिल्कुल गलत होगी. जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें क्या होती हैं, सबसे पहले देखिए, अगर आपसे पॉजिटिव बात करें, जैसे आपसे कह दिया कि वहां जाने से खतरा है, आपको पहले बता दिया आपको वहां जाने से खतरा है, और उसने एक पॉजिटिव थिंकिंग दी है कि अगर आप वहां नहीं जाओगे तो आपको ये फायदा हो जाएगा इस चीज से, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी है और उस गंदगी से आप बचेंगे तो आपका जो है शरीर को काफी फायदा हो जाएगा. तो ये पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव दे रहा है तो ये सही बात होगी. जैसे आप समझ लीजिए कि एक अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई खिलाड़ी है क्रिकेट खेल रहे हैं, और उस क्रिकेट में चार खिलाड़ी आउट हो गए, अब उसके बाद पांचवा खिलाड़ी आया, कोई भी मान लीजिए विराट कोहली आया पांचवा खिलाड़ी, और उसके बाद हमने सोचा कि अब ये इस गेम को जिता देगा क्योंकि अच्छा खेलता है, तो हमने सोचा पॉजिटिव. अगर हम नेगेटिव सोचते तो गलत होता, अगर हमने पॉजिटिव सोचा तो बिल्कुल सही बात है. अब नेगेटिव एक बात सोच लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें नेगेटिव क्या सोचा कि हम ड्राइव करने जा रहे हैं गाड़ी लेकर के और कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए जाने से पहले, तो हमने ये सोचा तो नेगेटिव थिंकिंग होगी, ये 100% गलत होगी. ठीक है, तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा समझना है. पॉजिटिव बात होगी तो सही होगी, अगर नेगेटिव बात है तो गलत होगी. उसके बाद अब अगर आपको विज्ञापन दे रखा हो, एडवर्टाइजमेंट दे रखा हो, तो वो ज्यादातर हमेशा सही होता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है बातों को बताने के लिए, चीजों को समझाने के लिए, तो एडवर्टाइज हमेशा सही रहता है, ज्यादातर हमेशा सही रहता है एडवर्टाइज. एडवर्टाइज जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स आपको कोई चीज का एडवर्टाइज दे रखा है, जैसे एक ये मार्कर है और इसका एडवर्टाइज आपको आया, सबसे पहले ये मार्कर किसी भी कंपनी का है, उस कंपनी ने इसको एडवर्टाइज कराया, एडवर्टाइज क्यों कराया, सबसे पहले हम इसे यूज कर रहे हैं, ये बात हो गई. दूसरा हम एडवर्टाइज इसलिए करा रहे हैं कि लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे कि ये चीज इस काम में आती है और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, तो इसलिए विज्ञापन कराया जाता है. इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं, कुछ विज्ञापन से रिलेटेड सवालों को करेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं. दोस्तों आगे चलते हैं और हम देखते हैं सबसे पहले अजम्पशन में हमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है. सबसे पहले इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ये दो चीजें हमें मिलती है. सबसे पहले इसका मतलब होता है इम्प्लिसिट का सही, और एक्सप्लिसिट आपको दे रखा है तो इसका मतलब होता है गलत. ये दो चीजें हमको देखने को मिलती है, सबसे पहले ये समझना है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे आगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. और ऑप्शंस क्या क्या मिलते हैं आपको, सबसे पहले ऑप्शन के बारे में जरूर समझ लें. दोस्तों आपको कोई भी कथन दे रखा हो उसकी दो या तीन पूर्व धारणा दी हुई होती है, दो हो तीन हो जितनी भी दे रखी हो, बड़ा सवाल होगा तीन होंगी चार भी हो सकती है किसी किसी सवाल में. तो अगर आपको फर्स्ट सेकंड इस तरह से दिए होते हैं, या तो कथन एक सही होगा या कथन दूसरा सही होगा, या एक और दो दोनों सही हो सकते हैं, या कंडीशन दे रखी होगी आइदर की कि या तो पहला सही हो सकता है या दूसरा सही हो सकता है, या नाइदर की कंडीशन दे रखी होगी पहला और दूसरा दोनों गलत है, या आपको बोथ राइट दोनों सही है, इस तरह की कंडीशन दे रखी होती है. समझ लेते हैं, आपको दे रखा होगा पहला सही है, या दूसरा ऑप्शन होगा दूसरा सही है, या ऑप्शन होगा आइदर की कंडीशन दे रखी होगी एक और दो, मतलब या तो एक सही है या दो है. ये कंडीशन बहुत कम देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा आइदर की कंडीशन बहुत कम देखने को मिलती है, पहला होगा या दूसरा होगा ये कंडीशन बहुत कम देखने को मिलेगी, और नाइदर या नन आ सकता है, नन
या बोथ आर रॉन्ग, दोनों गलत है, ये चीज आ सकती है, एक और दो दोनों गलत है, ठीक है। ये वाली कंडीशन भी देखने को काफी बार मिलती है। और बोथ बोथ राइट है या बोथ रॉन्ग है, मतलब ये उसी मजा है, बोथ रॉन्ग की बात करें नाइदर, और बोथ राइट है तो सही है, ठीक है। ये चीजें देखने को मिलती है, या आपको यही ऑप्शन मिलेंगे देखने को, पहला सही है या फिर दूसरा सही है, या फिर पहला या दूसरा दोनों में से एक हो सकता है। ये कंडीशन बहुत कम देखने को मिलेगी, नाइदर की कंडीशन पहला या दूसरा दोनों गलत है, और इसमें बोथ की कंडीशन में दोनों सही होंगे, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन है, इन ऑप्शन के बाद हम कुछ चीजें और समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे आपको कोई भी ऑल का ऑल दे रखा हो, किसी भी ऑप्शन में आपको दे रखा हो ऑल, मतलब ये देखिए जैसे सभी अगर आ रहा हो किसी भी पूर्व धारणा में, तो वो पूर्व धारणा हमेशा गलत होगी। सभी यहां भी आ गया पूर्व धारणा में, वो पूर्व धारणा गलत होगी 100% अगर ऑल आ जाए, या फिर नो आ जाए, नो मतलब नहीं, 100% श्योर है कि नहीं हो सकता तब भी गलत होगा, ठीक है। या आ जाए ईच एवरी तब भी गलत होगा, ईच एवरी का मतलब भी सभी, तो ये भी तब भी गलत ही होगा, ठीक है। या फिर आपको दे रखा हो एडवर्टाइज, एडवर्टाइज मैंने आपको बता दिया, एडवर्टाइज अगर आपको दिया हुआ है, विज्ञापन आपको दिया हुआ है, एडवर्टाइज या विज्ञापन आपको दिया हुआ है, तो वो बात सही होगी विज्ञापन की, ठीक है। इन चीजों को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बात कही जा रही है तब भी बात सही होगी, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर सुझाव दिया जा रहा है तो वो भी सही होगा। या फिर आपको समाज के लिए कुछ पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव चीज तो वैसे भी सही रहेंगे, और समाज के लिए अगर पॉजिटिव बातें कही जा रही है तो भी बातें सही होंगी, ऑल ओवर पॉजिटिव बात सही होंगी, ये बिल्कुल सही बात है। चलिए देख लेते हैं और क्वेश्चनों को चलते हैं, क्वेश्चनों की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं स्क्रीन पे, आप देखिएगा। अगले वर्ष वेतन संशोधन स्थगित करने के सरकार के फैसले के विरोध में सभी डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की। ध्यान से पढ़िएगा, सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ के, और अब देखिए हम धारणाएं पढ़ते हैं। सरकार सभी हड़ताली शिक्षकों को निलंबित कर सकती है। दूसरा दे रखा है सरकार चालू वर्ष में कॉलेज शिक्षकों के वेतन में संशोधन कर सकती है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले ऑप्शन में आप देखिए सरकार सभी हड़ताली शिक्षकों को निलंबित कर सकती है। सबसे पहले देखिए, अगर दोस्तों सभी, मैंने बताया सभी जहां भी आ रहा है तो वो चीज गलत है, सभी जहां भी आएगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन इसका गलत है। दूसरी बात, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, क्या कभी ऐसा होता है कि एक साथ अगर कोई भी डॉक्टर या कोई भी मतलब कर्मचारी अगर हड़ताल करे सभी, तो उनको निलंबित कर दिया जाएगा, नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, सरकार चालू वर्ष में कॉलेज शिक्षकों के वेतन में संशोधन कर सकती है। अब ये जो शिक्षक है, ये जो हड़ताल कर रहे हैं, इनका कारण ये है कि ये अपने वेतन के संशोधन के लिए हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये दूसरा वाला सही होगा, बिल्कुल दूसरा वाला सही है। तो इसमें कंडीशन कौन सी होगी, दूसरा वाला सही है, ऑप्शन दो सही होगा, ठीक है, ये देख लीजिए। अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम ध्यान से देखिएगा दूसरे क्वेश्चन को। डॉक्टर ने रोगी को अल्कोहल की किसी और खपत के खिलाफ चेतावनी दी अगर वह बीमारी से ठीक होने और लंबे जीवन जीने के लिए चाहता है। मतलब और ध्यान से पढ़िएगा, एक डॉक्टर ने रोगी को एक सलाह दी है कि अल्कोहल की किसी और खपत के खिलाफ चेतावनी दी है, अगर वह बीमारी से ठीक होने और लंबे समय तक जीना चाहता है तो उसको क्या करना होगा। ये कुछ धारणाएं दे रखी है, रोगी नंबर एक धारणा है, रोगी डॉक्टर की सलाह का पालन कर सकता है और अल्कोहल लेने से खुद को रोक सकता है। अब इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, रोगी डॉक्टर की सलाह का पालन कर सकता है और अल्कोहल लेने से खुद को रोक सकता है, बिल्कुल सही बात है, ये पॉजिटिव बात है तो सही होगी। इसमें डॉक्टर जो है, डॉक्टर ने कोई चीज बताई उसको, उसके बाद ये ऑप्शन में पॉजिटिव बातें कही है कि अल्कोहल छोड़ देगा तो अच्छा मतलब प्रदर्शन अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकता है, ये पॉजिटिव बात है तो सही है, पहला क्वेश्चन इसका सही है। दूसरा पढ़ते हैं, अगर रोगी अल्कोहल लेने से रुकता है तो डॉक्टर रोगी को बीमारी से ठीक करने में सक्षम हो सकता है, ये भी बात बिल्कुल सही है, तभी तो डॉक्टर ने ये सलाह दी है, अगर उसको कोई फायदा होगा तभी तो ये डॉक्टर ने कहा कि आप अल्कोहल छोड़ दीजिए, बिल्कुल सही बात है, बोथ आर राइट, दोनों सही होंगे इसके। तो दोस्तों इस प्रकार से हम और भी क्वेश्चन लेंगे, कुछ अप लेवल के क्वेश्चन भी लेंगे इसमें,
और आप पहले वीडियो को पॉज कर करके ऑप्शन पढ़ने के बाद खुद इसको राइट करिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद अब ये दो तो मैंने आपको बता दिए किस तरह से होंगे, सभी आ जाए एडवर्टाइज आ जाए वो सही होंगे, सभी आए तो रॉन्ग, एडवर्टाइज की बात हो तो राइट। इस तरह से मैंने कुछ आपको इंपोर्टेंट चीजें वो नोट कर लीजिएगा और उसके बाद इस तीसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आप आगे देखने से पहले पॉज करके वीडियो को देखिएगा कि ऑप्शन कौन सा सही होगा अपने हिसाब से। अगर आपको सही लगता है तो वीडियो को फिर से आप प्ले करके देखिएगा। देखिए कह रहा है मिट्टी में, एक कथन दिया हुआ है, मिट्टी में पोषक तत्वों को भरने के लिए हर वैकल्पिक मौसम में विभिन्न प्रकार की फसलों को विकसित करना महत्वपूर्ण है। अब इसमें कुछ धारणा दी हुई है। अब देखिए पहली धारणा है एक ही क्षेत्र में दूसरी बार एक फसल उगाई नहीं जा सकती, एक ही क्षेत्र में दूसरी बार एक मतलब फसल जो है वो उगाई नहीं जा सकती। अब ध्यान से देखिएगा नहीं जा सकती मतलब 100% नहीं कह रहा है, तो पहला वाला गलत होगा इस तरीके से। या आप ये समझ भी सकते हैं खुद कि एक ही क्षेत्र में दूसरी बार एक फसल उगाई नहीं जा सकती। क्या ऐसा कभी होता है कि एक क्षेत्र में दोबारा कोई फसल ना उगाई जाए? बिल्कुल उगा सकते हैं, कितनी भी बार उगा सकते हैं उसको, ठीक है। तो पहला वाला गलत है। दूसरा वाला, यदि लगातार मौसम में एक अलग फसल उगाई जाती है तो मिट्टी में कोई अतिरिक्त पोषण तत्व उर्वरकों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, ये भी बिल्कुल गलत बात है। क्यों? यदि लगातार मौसम में एक अलग फसल उगाई जाए, लगातार मौसम में अगर अलग फसल उगाएंगे तो क्या उसमें खाद की, यूरिया की या डीएपी की जरूरत नहीं होगी? बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। तो ये दूसरा भी गलत है, बोथ रॉन्ग। नन भी लगा सकते हैं, बोथ रॉन्ग भी लगा सकते हैं, ये वाला ऑप्शन लगेगा बोथ रॉन्ग, ये राइट है रॉन्ग लगेगा बोथ रॉन्ग, दोनों गलत है इसके पहला भी दूसरा भी, ठीक है। चलिए दोस्तों तीसरे वाले पे चलते हैं। दोस्तों इस पे चलने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। इस प्रकार से ही हम और भी वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे, और लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करना ही है आपने। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अंदर प्रवेश ना करें, एक बोर्ड पर लिखा हुआ है अंदर प्रवेश ना करें, एबीसी बीमारी से ग्रसित होने से बचें। एबीसी एक बीमारी का नाम है, उस बीमारी से ग्रसित होने से बचें। एक अस्पताल के बोर्ड क्रमांक 2 के बाहर लिखी सूचना, एक बोर्ड के बाहर सूचना लिखी हुई है जिसमें सिर्फ एबीसी बीमारी से ग्रसित से पीड़ित है, मतलब एबीसी बीमारी है उस बीमारी से कुछ लोग पीड़ित हैं, ठीक है, ये चीज लिखी हुई है। एक बार फिर से पढ़िए, अंदर प्रवेश ना करें, एबीसी बीमारी से ग्रसित होने से बचें, एक अस्पताल के बोर्ड क्रमांक 2 के बाहर लिखी सूचना जिसमें सिर्फ एबीसी बीमारी से ग्रसित से पीड़ित हैं। पूर्व धारणा दे रखी है, पहली बीमारी एबीसी संक्रामक है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? देखिए इसमें काफी स्टूडेंट्स क्या है गलत कर रहे थे, क्योंकि संक्रामक तो कहीं दे नहीं रखी है। अब देखिए कोई भी बीमारी, संक्रामक बीमारी का मतलब होता है कि कोई भी बीमारी आपको कहीं जाने से आ जाए, कहीं आप किसी के सांस से या किसी के उड़ने से ये बीमारी आ जाए, ये संक्रामक बीमारी होगी, तभी तो रोकने। क्या किसी का हाथ कट रहा है आप उसे देखने के लिए जाएंगे तो क्या आपका हाथ कट जाएगा? नहीं कटेगा। अगर किसी को इस तरह की बीमारी है कि अगर उसके सांस लेने से आपको प्रॉब्लम होगी तो वहां जाने से आपको मना कर दिया जाएगा कि आप वहां मत जाइए, नहीं तो आपको ये बीमारी हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका पहला सही होगा, बीमारी एबीसी संक्रामक है, जो एबीसी बीमारी है वो संक्रामक है, इसीलिए तो वार्ड में जाने से मना कर रहे हैं कि उस वार्ड में ना जाइए। दूसरा है वार्ड क्रमांक 2 में सभी रोगी एबीसी बीमारी से पीड़ित हैं, बिल्कुल ये तो ऑप्शन में भी कहा गया है, वार्ड नंबर 2 में सभी रोगी एबीसी बीमारी से पीड़ित हैं, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है, बोथ आर राइट, दोनों सही है इसके, दोनों बिल्कुल सही है। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है नीली टाई हमें अपने स्टाफ को दूसरों से अलग पहचान में मदद करेगी, एक कंपनी में एक सुझाव, एक कंपनी में एक सुझाव दिया गया है कि नीली टाई हमें अपने स्टाफ को दूसरों से अलग पहचान में मदद करेगी। अब इसमें कुछ पूर्व धारणा दे रखी है, कंपनी को अपने स्टाफ को पहचानने की जरूरत है, पहला ये है। तो दोस्तों ये बिल्कुल बात सही है, क्यों जरूरत है? देखिए ध्यान से देखिएगा कि नीली टाई इसलिए दी जा रही है अपने मतलब जो वर्कर है उनको, कि हम अलग से ही नीली टाई से पहचान सके कि ये वर्कर हमारा है। वैसे तो आइडेंटिफाई के लिए कई चीजें होती है, आई कार्ड हो सकता है, वो आई कार्ड हम हर वक्त आगे नहीं रख सकते हैं, और या फिर टाई जो होगी वो अलग पहचान दे देगी कि इस टाई का बंदा है, ये बिल्कुल हमारे ही कंपनी में काम करता है, ये चीजें होंगी। तो बिल्कुल पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा,
कंपनी को अपने स्टाफ को पहचानने की जरूरत है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है नीली टाई नवीनतम फैशन है, नीली टाई फैशन है, तो फैशन का तो कोई इसमें नाम भी नहीं आ रहा ऑप्शन में, पहले वाले जो कथन दे रखा है इस कथन में जो फैशन है उससे रिलेटेड तो कोई बात हो ही नहीं रही है, तो दूसरा गलत है, पहला वाला इसका सही होगा, ठीक है, पहला सही है दूसरा गलत है इसका। दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा और कुछ क्वेश्चन अपने बुक से करिएगा तो आपको अच्छी तरह से नॉलेज मिल पाएगी, बाकी मैंने इसमें हर तरह के क्वेश्चन रखे हैं जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपने कार्यालय में समय की पाबंदी लाने के लिए हमें अपने कर्मचारियों को यात्रा भत्ता देना चाहिए, एक कंपनी का इंचार्ज कार्मिक प्रबंधक से कहता है, एक अपने जो कंपनी का इंचार्ज है वो एक कार्मिक प्रबंधक से कहता है कि अपने कार्यालय में समय की पाबंदी लाने के लिए हमें अपने कर्मचारियों को यात्रा भत्ता देना चाहिए। अब देखिए पूर्व धारणा पढ़िए, कह रहा है समय की पाबंदी लाने में यात्रा भत्ता सहायक नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं का मतलब नेगेटिव सोच रहा है तो बिल्कुल गलत होगा, पहला वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है अनुशासन और पुरस्कार साथ साथ चलने चाहिए, इसमें अनुशासन और पुरस्कार का तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो दोनों गलत है, ये ऑप्शन पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब हमने इस तरह के क्वेश्चन किए, अब हम एक विज्ञापन का क्वेश्चन करते हैं, विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बताया था सही होते हैं उसके ऑप्शन, तो इसको और कर लेते हैं। कह रहा है किराए पर एक कार चाहिए, विज्ञापन है, एक विज्ञापन है, किराए पर एक कार चाहिए, ये एक विज्ञापन है, ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, उदाहरण दे रखे हैं, नंबर एक सभी प्रकार के वाहन किराए पर मिलते हैं, ये बात गलत है, सभी पहली बात तो सभी आ रहा है सभी गलत होगा, दूसरी बात यहां पर बात सिर्फ कार की हो रही है, यहां पे सभी वाहनों की बात नहीं हो रही है सिर्फ कार की बात हो रही है, तो पहला गलत है। दूसरा ऑप्शन है लोग विज्ञापन का जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे, क्योंकि विज्ञापन निकलवाया है किसी ने तो इसीलिए तो निकलवाया है कि लोग उसका जवाब दें, अगर हम किसी चीज का एडवर्टाइज करेंगे तो हमें पहले ये लगेगा ना कि इस चीज का हमें रिप्लाई आएगा तभी तो हम कोई काम करेंगे, तो बिल्कुल ये बात सही है, तो इसका ऑप्शन जो है दूसरा वाला सही होगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों इसमें, और फिर वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं एक क्वेश्चन के बाद, थोड़ा सा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको करने के बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो आपको रीजनिंग के दूसरे चैप्टर की दूंगा, तो वीडियो को बिल्कुल देखते रहें लास्ट तक, इस एक आपका क्वेश्चन और बचा है इसको और देख लीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए दोस्तों, अपनी वैल्यूएबल कमेंट जरूर करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक का चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं, आप इसे ऑप्शन को पढ़िए पहले, ऑप्शन को पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करिए और खुद इसको हल करने की कोशिश करिए। कथन दे रखा है सभी ऐसे बेरोजगार भारतीय युवाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए, फिर से पढ़िए, सभी ऐसे बेरोजगार भारतीय युवाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए, यह एक कथन दिया हुआ है। इसके बाद में ऑप्शन दे रखे हैं, भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, बिल्कुल सही बात है, क्यों सही बात है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन जो दे रखा है वो आपके कथन से रिलेटेड है, कथन में ये बात कही गई है कि कुछ बेरोजगारों को जरूरत है भत्ते की, इस वजह से हम भत्ता देंगे, और ये बात बिल्कुल उद्धरणा में भी है, भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की जरूरत है आवश्यकता है, ठीक है, तो पहला वाला सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने हेतु पर्याप्त धनराशि है, पहली बात तो यह है कि इसमें सभी आ रहा है, सभी का मतलब बिल्कुल गलत बात है, तो सरकार के पास सभी बेरोजगारों का, सभी का मतलब बिल्कुल गलत है, दूसरा वाला ऑप्शन गलत होगा, पहला इसका सही है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह से हम वीडियो आपको देते रहेंगे, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।